प्रखर जी ग्रिप बना के उतरिएगा, 10,000 फीट से एकदम नीचे नहीं जाना हमें। ये गिरा। ओके मेरा पैर अंदर चला गया है। Hi guys, welcome back to the blog. This is Migrating Soul and you're watching my third episode of Naktibba. If you haven't watched my first and second episode, so go to my channel and watch it right now. Also, I have changed my channel's name from Backpacker Traveler 2 to Migrating Soul. Do comment below if you like the name. Also, like, subscribe, press the bell icon so you never miss an update. So, beach ka gap dekhiye aur niche dekhiye. Hum seedhe aise hi chadh ke aaye, seedhe aise. और ऐसे ही चढ़ के ऊपर जाना है, मज़ा आ गया। चढ़ते चढ़ते पैर इतने फिसल रहे हैं कि आप देख सकते हैं, वो जब एक रूट पर जब पर्टिकुलर लोग चलने लग जाते हैं तो बर्फ़ पूरा प्लेन हो जाता है और फिर उस पर हर एक स्टेप रखने वाला फिसलता है। जब भी आप क्लाइम कर रहे हो वो भी स्नो में, तो ऐसा बर्फ ढूंढिए जो कि पतला हो, फ्रेश हो, चाहे एक दो दिन पुराना ही क्यों ना हो, बट उस पर पैर रखिए तो एटलीस्ट यू वोंट फॉल। और थोड़ा नॉर्मल ग्राउंड ढूंढिए जिस पे आप गिर ना जाए। प्रखर फिसलने से दो बार बचा है और मैं भी। ट्रीज़ की हाइट बहुत छोटी हो गई है, इट मीन्स हम लोग ऑलमोस्ट समिट के पास पहुंचने वाले हैं। रुक रुक के चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे धूप है थोड़ी सी। टेम्परेचर वुड बी समवेयर अराउंड -1 -2। हम लोग एक दुविधा में हैं, अगर हम कर्व पे चढ़ते हैं तो गलती से अगर उस स्लाइड करती हुई बर्फ में गिरे तो नो श्योरिटी कितने नीचे तक जाएंगे। हाँ वी हैव टू टर्न ना। ये तीसरी बार पिछलो मैं, और इस बार तो कैमरा के सामने लाइव। हे गाइस, हम लोग पहुँच चुके हैं, हम लोग समिट पे पहुँच चुके हैं और यहाँ से आप व्यू देख सकते हैं आगे, हाउ डज इट एग्जैक्टली लुक्स। सामने सारे फेमस माउंटेंस हैं, हर जगह का हर एक प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे। मेरे पैर के नीचे अभी बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। आज का हमारा 9,915, इट्स डन एंड इट्स एब्सोल्युटली डन, वी आर ऑन द समिट। Amazing, snow is really amazing. अभी temperature हो रहा होगा 3 or 4 degrees Celsius। हम लोग cake का मज़ा ले रहे हैं और इसके बाद हम लोग descend करेंगे, नीचे जाएंगे means। ग्रिप बना के उतरना प्रखर जी ग्रिप बना के उतरिएगा ध्यान से, 10,000 फीट से एकदम नीचे नहीं जाना हमें। ओके मेरा पैर अंदर चला गया है, ये गिरा। ठीक है, हमारे सामने लाइव एग्जांपल है पहला। गिरा एक हमारा मेंबर और एक्सपेक्टेड था ये, यही मैं आप लोगों को बता रहा था, और ये फिसलता हुआ अब नीचे जा रहा है। पहले हेलो, हम लोग नीचे उतर रहे थे, बहुत ज़्यादा थक गए अभी।
थर्ड बेस कैंप पार करके आए हैं, सेकेंड बेस कैंप पे पहुँचने वाले हैं। और सूरज अभी हमारे सामने डूबा है और हम लोग एक्चुअल में हमारे पास पानी नहीं है, तो हम लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि हमारे पानी का काम करे, दैट इज़ दिस। ये बर्फ़ है इसके अंदर, हम ऊपर से लेके आए थे, इट्स एवरीवेयर स्नो जैसा आपने देखा। सो हम बर्फ़ को स्क्रैच कर करके हम पानी बना के पी रहे हैं। लिटरली सर्वाइवल, दिस इज लिटरली कॉल सर्वाइवल। हमारा नेक्स्ट वाटर पॉइंट जो है वो फर्स्ट बेस कैंप के आसपास है, जो कि हमारे यहाँ से अभी बहुत नीचे है और हम अभी बहुत ऊपर है हम। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अभी हम लोग फर्स्ट बेस कैंप पे हैं। रात को यहाँ पे टेंट लगाया था हमने सबमिट करने के बाद। यहाँ पे अभी टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस चल रहा है और जस्ट अभी उठे, 7 बज रहे हैं। ब्रेकफास्ट करेंगे और आज दिल्ली के लिए वापस जाएंगे। आइए मैं आपको बाहर ले चलता हूँ, कुछ बहुत सुंदर सा नज़ारा देखने को सुबह सुबह मिला। आप बिलीव नहीं करोगे, ये सॉर्ट ऑफ कैफ़े जैसा है। अगर आप यहाँ पे आके इन्जॉय करना चाहते हो, इट्स रियली रियली इम्प्रेसिव। सम प्रिटी बुक्स टू रीड। सो आफ्टर द लवली व्यू विच यू हैव वॉच्ड आउटसाइड, वी हैव आवर ब्रेकफास्ट। इट्स मैगी एंड ओट्स मिक्स्ड। टेस्ट इट प्रखर एंड टेल मी हाउ डज इट एग्जैक्टली टेस्ट। हाउ इज इट? आई थिंक वी हैव अ हेल्दी एंड डिलीशियस breakfast on the table served for us. I should stop recording right now and show my dedication into eating, right? और हमारे यहाँ पे जो भैया है वो हमें कॉम्प्लीमेंट्री गर्म पानी और कॉम्प्लीमेंट्री चाय और कॉफ़ी पिला रहे हैं। इट्स वेरी नाइस ऑफ हिम। उठा ले तो इतना भारी आप? 60 साल की उम्र हो गई। आपकी उम्र 60 साल है? आप कहीं से 60 साल नहीं लग रहे हो, और इतना भारी आपने उठा रखा है। आप 10,000 जाओगे क्या? ये फर्स्ट बेस कैंप कितना दूर जा रहे हो आप? हाँ, अच्छा समझ गया, 7,500 फीट जा रहे हो आप। हैट्स ऑफ अंकल, ये इतनी बड़ी टैंकी अकेले लेके जा रहे हैं, इनकी एज 60 है। दिस इज इनक्रेडिबल इंडिया गाइस, दिस इज इनक्रेडिबल इंडिया। मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे ये 3 दिन के टूर का 29, 30, 31 और 1st, आज 2nd है, 4 दिन मान लीजिए एक्चुअली। हमारा ऑल ओवर इस ट्रिप का बजट अगर आप जानना चाहते हैं, विल बी लाइक बहुत फनी सा कि आप सोचेंगे इतने बजट में हाउ वी हैव डन दिस। सो ऑब्वियसली 10,000 नहीं, इट इज़ ओनली 3,000 per person, 3,000 for him, 3,000 for me. This is me and this is Prakha. We are signing out from Naktibba. See you downstairs. Please do subscribe, like and share my video. Help me to grow faster.